तो आज किस वीडियो में 7.4 का जो क्वेश्चन नंबर 24 और 25 छूट गया था, तो बहुत सारे बच्चे का मैसेज आता कि सर जी इसको बनवा दीजिए। हमने बोला क्यों नहीं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24 और 25 को सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 किसके बराबर है। ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। ये देखो बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। पहले आप क्या करो, क्वेश्चन को लिख लो। क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेशन क्यों क्यों, अच्छा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। पता नहीं कहाँ ऐसे फ़ोन कर रहा है आज। ठीक है, और यहाँ पर इतना क्वेश्चन हो गया। अब क्या करेंगे, अब ध्यान देना। अब थोड़ा सा ध्यान क्या देना है, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो रही है आज, अब सर ठीक हो गई। ठीक है, देखो क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है। इंटीग्रेशन यानी आई आई बराबर इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स स्क्वायर 2x, आप प्लस 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो अब क्या करेंगे, आई बराबर इसको पूर्ण वर्ग बनाने के मेथड से लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, देखो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत ईजी है। एक्स स्क्वायर है ना एक्स स्क्वायर, 2x है ना 2x, यहाँ पर 2 है, 2 के बदले हम 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा और ये हो गया dx। ठीक है, अब देखो i बराबर इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या जब एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, जब इसको तोड़ेंगे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इतना आ जाएगा। अब प्लस वन है, वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ से एक फार्मूला लग रहा है, कौन सा फार्मूला, आप लोग को फार्मूला पढ़ाए थे कि इंटीग्रेशन 1 बाई रूट, अंदर बिना रूट का है ना, बिना रूट वाला है, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस c होता है। तो याद होगा आप लोगों को, तो उसी फार्मूला पर बैठा दो, ए हो जाएगा पूरा x और ए हो जाएगा a, तो i बराबर हो जाएगा 1 बाई ए, ए का मान 1 है तो 1 बाई 1, टेन इनवर्स होता है तो टेन इनवर्स, ऊपर में x होता है, x का मान क्या है, यहाँ पर x प्लस 1 है, x प्लस 1, बटे में a होता है ना, a का मान 1, प्लस में c, यानी आपका फाइनल i बराबर आंसर होगा 1 बाई ए में 1/1 में भाग देंगे तो एक ही होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 और प्लस में सी आपका आंसर। समझ में आई बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके कोई दिक्कत नहीं है ना, 100% बताना। तो अब चलो ऑप्शन चेक करने, टेन इनवर्स एक्स प्लस, देखो बी करेक्ट आंसर पहले से मारा गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 प्लस सी आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आई बात है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई रूट में है, रूट अंदर 9x-4x² किसके बराबर है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, आइए इसको भी सॉल्व करके देखते। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 25, 25 है कि इंटीग्रेशन डी एक्स बाई 9x-4x² किसके बराबर है, बराबर है। चार ऑप्शन दिया गया है, आइए सिंपल हल कर लेते हैं इसको, इसमें कुछ नहीं। आई बराबर इंटीग्रेशन, पहले देखो यहाँ से क्या करते हैं ना, कि 9x-4x² है तो एक्स स्क्वायर को हम पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक माइंड लगाते हैं, ध्यान देना, ऊपर 1 बटे, हम क्या करते हैं ना कि रूट अंदर का रूट अंदर ही हम 4 को इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो 4 जब कॉमन लेंगे, ठीक है, तो देखो जैसे 4 नहीं, -4 कॉमन ले लो, -4 हमने कॉमन ले लिए, -4 जैसे हमने कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बच जाएगा, अब तो माइनस कॉमन ले लेते, प्लस हो गया, तो हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो आप कहोगे सर पहले क्यों लिख लिए, तो देखो माइनस जब कॉमन लिए -4 तो प्लस बन गया था, तो प्लस को हम अब पहले रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये माइनस जब प्लस रहता है और माइनस कॉमन ले जाता है तो माइनस वाला प्लस बनता है, प्लस वाला माइनस बन जाता है, अब ये क्या बन जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा 9/4x dx। अब आपका एक क्वेश्चन और बनेगा, सर बटे में 4 कैसे आ गया,
जब देखिए इसमें से चार कॉमन लिया गया, तो हमने माइनस चार कॉमन लिया जब, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच गया, लेकिन इसमें चार कॉमन नहीं था, तो उसमें कैसे चार कॉमन लिया गया, यानी ऊपर में चार से गुना किया गया होगा, चार से भाग किया गया होगा, तो चार ऊपर वाला तो गुना वाला इसमें कॉमन ले गया, लेकिन बटा वाला तो बच जाएगा। अब क्लास 12 में होंगे तो इतना आप समझते होंगे, ठीक है। अब चलिए इंटीग्रेशन वन बटे, अब ये देखो चार है ना, चार का वर्गमूल क्या होगा दो, रूट अंदर क्या बच गया, अब आपका बच गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन बटे चार एक्स डी एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने के मेथड से सॉल्व कर लेंगे, एक बटे दो है ना, इसको बाहर कर लो, एक बटे दो इंटीग्रेशन वन बटे रूट अंदर, अभी देखो इसको हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस नौ बटे चार एक्स को हम पूर्ण वर्ग बनाने के मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो एक्स का स्क्वायर ठीक है माइनस टू, ए का मान एक्स है और बी का मान क्या रखें कि ए वाला आ जाए, ठीक है। तो बी का मान यदि हम मान लो कि नाइन बटे एट रखते हैं, तो देखो चार दुनी आठ, यानी दो चौक आठ होगा ना, तो नाइन बटे फोर एक्स आ जाएगा, यानी बी का मान नौ बटा आठ रखना पड़ेगा। तो आप पीछे पड़े हो, अब बी का मान आएगा नौ बटा आठ, तो बी स्क्वायर होता है नौ बटा आठ का स्क्वायर, एक बार प्लस होता है तो एक बार माइनस भी किया जाता है, ये रूल होता है जो कि आपको पूर्ण वर्ग बनाने के मेथड में समझा चुके हैं, ठीक है। अब देखो वन बाई टू इंटीग्रेशन वन बाई, अब यहाँ से देखते हैं कि क्या हो रहा है, चेक करो तो यदि मान लो माइनस का माइनस, यहाँ से यहाँ तक का जो फार्मूला होगा क्या होगा, एक्स माइनस कितना नौ बटे आठ का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स माइनस नौ बटे आठ के स्क्वायर लिख सकते हैं, जब इसको तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। अरे देखो ये कितना है, अब नौ बटा आठ है ना, नौ बटे आठ माइनस नौ बटा आठ का स्क्वायर है, तो स्क्वायर ही रहने दो, क्योंकि हम फार्मूला पर करना चाह रहे हैं। तो वन बाई टू इंटीग्रेशन, अब क्या करो माइनस को गुना करा दो, माइनस को गुना करेंगे तो माइनस वाला क्या बन जाएगा प्लस, तो नौ बटा आठ का स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो माइनस बन जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस नौ बटा आठ का स्क्वायर हो गया डी एक्स। अब देखो ए हो गया और ए बी हो गया, तो ए रूट अंदर, रूट को रखो यार भूलो नहीं, ठीक है रूट में ही रहेगा, तो रूट में जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, क्या होता है वन बाई टू, सॉरी साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, ठीक है। तो वन बाई टू तो रहेगा, तो वन बाई टू, और ये फार्मूला याद रखो कि रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो उसका फार्मूला सिंपल सा साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, तो वन बाई टू ठीक है साइन इनवर्स एक्स, एक्स का मान एक्स माइनस नाइन बाई एट और बटे में ए नाइन बटे आठ प्लस में सी। अब देखो वन बटे टू साइन इनवर्स, इसको हल करो कुछ नहीं तो एक ये हो जाएगा एट एक्स माइनस नाइन बटे एट बटे नाइन बटे एट प्लस में सी, एट एट कैंसिल तो ये हो जाएगा एक बटे दो साइन इनवर्स एट एक्स माइनस नाइन बटे नाइन और प्लस में सी योर आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ये करेक्ट आंसर होगा, आप मिला सकते हो कौन सा ऑप्शन, एक बटे दो एट एक्स माइनस नाइन बटे, देखो बी इसमें भी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है समझ में आई बात ना, बहुत ईजी है, जिन लोगों को फार्मूला याद है वो लोग आराम से बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।